हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग ईवीएस का चैप्टर 8 वेदर एंड सीजन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोगों ने वेदर के बारे में जाना। जो टाइम टाइम पर चेंज होते रहता है उसको हम वेदर कहते हैं। जैसे अभी अभी वेदर कैसा है, अभी विंडी है, मतलब हवा चल रही है। उसके बाद क्लाउडी हो जाएगा, बादल छा जाएंगे, फिर रेनी हो जाएगा, फिर सनी हो सकता है, स्नोफॉल हो सकता है, ये है वेदर। लेकिन जो कुछ समय के लिए लगातार बना रहता है उसको हम लोग क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है। इसमें हमने सीजन्स में पढ़ा था, स्प्रिंग सीजन, समर सीजन एंड रेनी सीजन। रेनी सीजन क्या होता है बच्चों, इट स्टार्ट्स फ्रॉम जुलाई एंड कंटिन्यू टिल सितंबर। जुलाई से स्टार्ट होके सितंबर तक कंटिन्यू रहता है। इट इज़ द सीजन ऑफ क्लाउड्स। रेन ब्रिंग्स रिलीफ फ्रॉम द हॉट स्पेल ऑफ समर। जो समर के बाद के समर, इतनी जब गर्म समर हम लोग जो झेलते हैं, उसके बाद जो रेन में ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं वो हम लोगों को बहुत ही आनंद फील कराती हैं। वी यूज़ रेनकोट, गम्बूट और अम्ब्रेला व्हेन वी गो आउटसाइड इन द रेन। और हम लोग इस तरह से अम्ब्रेला यूज़ करते हैं और रेनकोट यूज़ करते हैं ताकि हम बारिश में आ जा सकें, ओके। नेक्स्ट इज ऑटम सीजन। ये देखिए, पेड़ों से पत्ते गिरने का सीजन है ये। इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल अक्टूबर। इट इज़ नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड इन दिस सीजन। ना ही ज़्यादा गर्मी रहती है और ना ही ज़्यादा ठंडी रहती है। इट इज़ वेरी प्लीजेंट सीजन। और ये बहुत ही सुंदर सीजन है। इसमें क्या होता है, जो पेड़ होते हैं वो अपने पत्तों को गिरा करके नए पत्ते उसमें गिर आने लगते हैं। ट्री स्टार्ट्स शेडिंग देयर लीव्स। विंटर सीजन नेक्स्ट है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम नवंबर एंड कंटिन्यूज टिल जनवरी। नवंबर से शुरू होकर जनवरी तक रहता है। इन दिस सीज़न, दिस इज़ अ सीज़न ऑफ कोल्ड विंड्स। ठंडी हवाओं का सीज़न है। टेम्परेचर जो है समर सीज़न में जैसे ही हाई हो जाता है, और विंटर सीजन में आते आते समर टेम्परेचर जो है लो हो जाता है। पीपल वॉन्ट टू सिट इन सनशाइन। और लोग क्या चाहते हैं, लोग जो धूप में बैठने से उनकी बॉडी में गर्म, मतलब वार्म हो जाती है बॉडी, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि सूरज की रोशनी बहुत अच्छी लगती है। पीपल वॉन्ट टू ड्रिंक हॉट टी और कॉफ़ी। और लोगों को गर्म चाय, गर्म कॉफ़ी पीने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये रहा बेटा विंटर सीजन के बारे में। उसके बाद, चेंज ऑफ सीजन इज ए नेचुरल फिनोमिनन। वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे। इट डिपेंड्स ऑन द सनलाइट, रेन एंड विंड। मतलब वेदर जो होता है वो डे टू डे चेंज होता रहता है, और ये डिपेंड करता है सनलाइट, रेन और विंड पर, ठीक है। व्हेन द सेम वेदर कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम इट इज कॉल्ड सीजन। कोई भी एक वेदर कंटिन्यू है लॉन्ग टाइम के लिए तो हम उसको क्या कहेंगे, सीजन कहेंगे। प्लांट स्टार्ट्स ब्लूमिंग विद फ्लावर इन स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, जो पेड़ जो हैं, पेड़ जो हैं अच्छे अच्छे फ्लावर्स देते हैं। और ऑटम सीजन में क्या होता है, पत्ते झड़ने लगते हैं। और रेन ब्रिंग्स रिलीफ फ्रॉम द हॉट स्पेल ऑफ समर। जो रेन, जो बारिश होता है वो गर्म से रिलीफ देता है हम लोगों को। इट इज़ नाइदर वेरी हॉट, इट इज़ नाइदर वेरी हॉट नॉ वेरी कोल्ड इन ऑटम सीजन। ट्रीज स्टार्ट शेडिंग देयर लीव्स इन दिस सीजन। विंटर सीजन इज़ अ सीजन ऑफ कोल्ड विंड्स। और जो विंटर सीजन है एक ऐसा सीजन है जिसमें ठंडी हवाएं चलती हैं। तो ये रहा बेटा आप लोगों का चैप्टर 8 वेदर एंड सीजन। आप लोग इस चैप्टर को रीड करिएगा, ठीक है। और बहुत जल्दी मैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज को आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तब आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा। इसके बाद अपने बुक को ज़रूर रीड करिएगा, क्योंकि बुक को रीड करना, रीडिंग हैबिट
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ रीड द चैप्टर एंड ट्राई टू कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर. ओके, थैंक यू.